ईसीएल के मुगमा क्षेत्र में बंद पड़ी श्यामपुर एओसीपी परियोजना को फिर से चालू होने से ईसीएल के कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ मुगमा क्षेत्र में एक और परियोजना चालू हो गई। कार्मिक निदेशक विनय रंजन ने परियोजना का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। ईसीएल की मिशन संजीवनी के तहत श्यामपुर गांव और अधिकारियों के साथ जेसीसी के मजदूर नेताओं के बीच मित्रता फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्मिक निदेशक विनय रंजन ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि मुगमा क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी श्यामपुर ओसीपी परियोजना को फिर से चालू किया गया। यहां के ग्रामीणों मजदूर संगठनों के नेताओं के सहयोग से ये सब संभव हुआ है और कोयला उत्पादन में भी इन लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और क्षेत्र के साथ ही सीएल भी अपना कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करेगी। इस अवसर पर क्षेत्र के महाप्रबंधक बीसी सिंह ने कार्मिक निदेशक को पुष्प गुच्छ और शॉल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर इसी एल के जी एम वेलफेयर और सीएसआर एम के सिंह के अलावा जिला परिषद सदस्य दुर्गा दास, मुखिया रूपाली चौधरी समेत सभी मजदूर संगठनों के नेता, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट प्राप्त हुआ और उसमें मुझे इनवाइट किया गया। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे गांव के सारे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और सारे हमारे जेसीसी मेंबर्स और हमारे सारे मुगमा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। तो एक सेलिब्रेटरी फुटबॉल मैच का आयोजन किया जिसमें कि आप लोग भी, प्रेस के लोग भी शामिल हैं और जेसीसी के मेंबर शामिल हैं। तो उसी के देखने हेतु आया हूँ और आप लोगों की खुशी में शामिल होने आया हूँ। ईसीएल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम लोगों को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बहुत बहुत सहयोग देगा और कोयला का क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छा है तो जरूर इस क्षेत्र के लिए और पूरे ईसीएल के लिए एक अच्छा योगदान करेगा ये।